हर साल भोजपुरी सिनेमा में कुछ ना कुछ बदलता है, हीरो हीरोइन की रैंकिंग भी बदल जाती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आम तौर पर कंपटीशन इंडस्ट्री में तीन हीरो और तीन हीरोइनों के बीच होता है। तीन हीरो के लिस्ट में है खेसारी, निरहुआ और पवन सिंह, और तीन हीरोइनों के लिस्ट में है अक्षरा आम्रपाली और काजल राघवानी। इन तीनों हीरोइनों के बीच अक्सर टकराव देखा जाता है। यही टकराव हाल फिलहाल में देखा गया। अगर इस साल की बात की जाए सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हीरोइन की, तो काजल और अक्षरा को पीछे छोड़ आम्रपाली इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन चुकी है। अक्षरा सिंह अपनी फिल्म के लिए 20 से 25 लाख रुपए की फीस लेती है। हालांकि उन्हें अब फिल्में मिलनी कम हो चुकी है, तो एक ये भी कारण है जिसकी वजह से उनकी कमाई कम हुई, लेकिन अपने गानों और स्टेज के जरिए उन्होंने खूब कमाई की है। काजल राघवानी एक फिल्म के लिए 30 से 35 लाख रुपए लेती हैं। इवेंट कम करती हैं, लेकिन आजकल स्टेज शो से काजल राघवानी अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फीस लेने की अगर बात की जाए तो आम्रपाली की फीस है, जो कि एक हीरो के बराबर फीस लेती हैं। आम्रपाली 40 से 45 लाख फीस लेती है, और फिल्म हिट होने के बाद शेयर भी लेती हैं। शो के लिए भी आम्रपाली तगड़ी फीस वसूलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इवेंट भी इस साल आम्रपाली दुबे ने ही किए हैं। यही कारण है कि इस साल उनकी कमाई दोगुनी हो गई, और बाकी की दोनों हीरोइन को पछाड़ कर इस साल की सबसे अमीर हीरोइन भी आम्रपाली दुबे बन चुकी हैं। वेल, आप सब कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भोजपुरी की हर अपडेट से आप अपडेट रह सकें। आप सब हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सबको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।